हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जीएसटी से अलग एक टॉपिक, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंसल्टिंग बिजनेस में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कंसल्टेंट हैं अलग अलग फील्ड्स के। तो हमारे प्रोफेशन में जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कंप्लायंसेज हो सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड कंसल्टिंग एंड कंप्लायंस हो सकता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। हमारा चैनल मेजरली इनटू जीएसटी है, ऑल दो जो बाकी एक्सपर्ट हैं अलग अलग एरिया की, हमारी कोशिश कई बार होती है उनको बुलाने का, उनको भी फेस देने का थ्रू आवर चैनल। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को एक क्वेश्चन मिलता है वो होता है कि हम लोग अपनी कंसल्टिंग बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करें। और ऑब्वियसली कंसल्टिंग बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हम लोग को। साथ ही हमें से कुछ लोगों को कुछ प्रोफेशंस में ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग या अपनी एडवर्टाइजिंग करना अलाउड भी नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से हम लोग अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाएं ताकि हम लोगों को अच्छे लेवल पे बिजनेस मिल सके। तो आज मैं वही थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल इशू डिस्कस कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ, क्योंकि 2 साल ऑलमोस्ट मैंने ये चैनल रन किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के मैं पर्सनली टच में भी रहती हूँ, बहुत ही दुख होता है मुझे, लेकिन ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम में बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं ले पाती, बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं कर पाती। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हम अपना एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करें ताकि हमें कंसिस्टेंट बिजनेस मिलता रहे, या फिर जो इट्स द वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, जिसको एक अच्छे कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है और जो एक अच्छा कंसल्टेंट है वो आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस देख पाएँ, पता कर पाएँ, ईजिली इंटरेक्ट कर पाएँ, ईजिली एक दूसरे से मिल पाएँ। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 टिप्स हैं, आज वो 5 टिप्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहली मेरी टिप्स है कि आपको जिस भी प्रोफेशन को आप बिलोंग करते हो, ये अबोव प्रोफेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीए प्रोफेशन या हमारा जीएसटी से रिलेटेड कंसल्टिंग, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, लेयर्स होते हैं अलग अलग टाइप की। तो आप कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन उठा के देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस बिजनेस के लिए ओरिएंटेशन कैसा है, आप उसको कितना समझते हो और आप उसको कितना सीरियसली खुद के अंदर इम्प्लांट कर रहे हो, कि कितना सीरियस आप अपने बिजनेस को लेते हो। तो आपने देखा होगा, इफ आई से एक पर्टिकुलर बिजनेस मैं ले सकती हूँ, लेट्स सपोज एक एडवोकेट एंड एडवोकेट। सो एक एडवोकेट ऐसे भी है जो नेशनल लेवल के जो केसेस हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, एक एडवोकेट ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता अपने फील्ड का। आप अपने फील्ड के लिए जितने ज़्यादा अवेयर रहेंगे, जितने ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने प्रोफेशन को टाइम देंगे, अपना दिमाग अपना ध्यान उसमें लगाएंगे, उतना ही वो भी आपको वापस देगा। तो सबसे पहली चीज़ है ओरिएंटेशन आपकी क्लियर होना चाहिए और फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। एक बार मुझे समझ में आया कि मेरी ओरिएंटेशन ये है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अपने प्रोफेशन के जो अच्छे बेंचमार्क्स हैं जो लोग, उनको आप देखें, उनको फॉलो करें और देखें कि वो किस तरीके से आगे मूव कर रहे हैं, किस तरीके से फॉरवर्ड जा रहे हैं, उनको फॉलो करें और उन्हीं का स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनलिज्म का है वो स्टैंडर्ड आप मेंटेन करने की कोशिश करो। उसमें अगर कहीं पे कोई कमी है तो खुद आई विल से कि मैं खुद इतने साल हो चुके हैं मेरे को क्वालिफाई किए हुए सीए, लेकिन अभी भी कोई नया टॉपिक होता है, कोई नई चीज़ होती है, अगर मुझे भी कई बार कुछ सीखना होता है तो मैं खुद सेमिनार्स में जाती हूँ या मैं खुद क्लासेस ले सकती हूँ उसके लिए। मेरे को उसमें कोई झिझक नहीं है कि अच्छा मेरे को अब नहीं लेनी, बिकॉज सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। और आई विल से कि हम लोग सबसे ज़्यादा डायनेमिक प्रोफेशन है जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, सिर्फ जीएसटी में नहीं, आप कंपनीज एक्ट में देखोगे वहाँ रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो आप अगर उस चीज़ में पिछड़ गए तो फिर आपके लिए सस्टेन करना मुश्किल है। देन सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है इसके लिए मेरी, कि जो नॉलेज आपने गेन की है, जो आपको पता है, जो प्रैक्टिकल वर्क आप कर रहे हो, उसको आपको रिफ्लेक्ट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको एक हैबिट हमेशा डेवलप करनी चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक अच्छा कंटेंट बना के लिखो, उसको जितना प्रैक्टिकल रख सकते हो, उसको थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं है, कभी भी फेक या नकली होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है। एंड आई विल से कि जब भी आप समझाओ तो हमेशा ऐसे समझाओ कि जो सबसे कम समझ वाला है उसको भी समझ में आए, कभी भी एक्सपर्ट्स के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मेक ए हैबिट, क्रिएट ए हैबिट कि अपने वर्क को सिंप्लीफाई करके उस पर कुछ कंटेंट्स अच्छी साइट्स पे आप पोस्ट कीजिए। अगर आपकी साइट्स तक आउटरीच नहीं है तो आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो अच्छे वेब पोर्टल्स हैं, अच्छी साइट्स हैं, उन पे आप पोस्ट कर सकते हो। उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि गूगल सर्च में जो आपका कंटेंट है अगर वो अच्छे लेवल का है तो वो सर्च में आता है, तो नेचुरली जो उसको लुक करने वाले, उसको सर्च करने वाले लोग हैं, जब वो देखेंगे कि आपने ये लिखा है तो दे विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू। तो वो सबसे सस्ता और बिना खर्चे का आपके लिए एक तरीका होता है अपने पास तक अपने जो बेसिकली क्लाइंट्स हैं उनको खींच के लाने का, राइट। और उनके लिए भी फ़ायदा है कि वैसे क्या होता है, हम लोग जान पहचान से इधर उधर से पूछ पूछ के पता करते हैं कंसल्टेंट का, उनके पास जाते हैं, पता चलता है कि इन्होंने कॉन्टेक्ट तो बहुत अच्छे बना रखे हैं लेकिन वर्किंग नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो उसमें भी आप कुछ दिनों में फंस के फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं क्लाइंट्स भी। तो उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिसको एक्चुअली नॉलेज है, जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको वहाँ से
ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट मिल रहा है कि हाँ इस पर्सन को नॉलेज है, तो ऑलवेज गो टू दोज पर्सन, और आप लोग भी हमेशा वैसे करें। जो अच्छी डायरेक्टरीज होती हैं, थर्ड मेरी टिप है ये आपके लिए, जो अच्छी डायरेक्टरीज है वहाँ पे अपना एक प्रोफाइल मेंटेन करें, और उस प्रोफाइल को बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज भी करें। तो लिंक्डइन पे आप अपने एक अच्छे से प्रोफाइल मैनेज करें, उसमें उसको एक मजाक की तरह मत लो कि कुछ भी फोटो डाल दिया, कुछ भी पोस्ट कर दिया। टेक इट सीरियसली, उसमें देखो कि जो अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं हाउ दे आर डूइंग, और उनसे इंस्पिरेशन लेके आप भी अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से वहाँ पे क्रिएट करें। साथ ही जो अच्छी कंसल्टिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे खुद हमारी वेबसाइट है consultease.com, जिसपे बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स होते हैं, जो लोग कंसिस्टेंटली कंटेंट भी पोस्ट करते हैं हमारी साइट पे। और आप अगर सर्च करके देखेंगे, जो लोग हमारी साइट पे कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आप जब उनका नाम सर्च करोगे गूगल पे, तो हमारी साइट कई सारे केसेस में फेसबुक और लिंक्डइन से भी ऊपर आती है गूगल सर्च में, राइट? तो कुछ केसेस में, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे आप शिवाजी जी का नाम सर्च करेंगे या फिर आप दीपक जी का नाम सर्च करेंगे, तो आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए फाइंड आउट भी किए हैं। तो अब क्या हो रहा है, कोई भी अगर आपको सर्च कर रहा है, तो वो आपके इस वाले प्रोफाइल को देख रहा है, नहीं कंसल्टेंसी के प्रोफाइल को देख रहा है, उस पर क्लिक करके जा रहा है। तो वहां पे आपका प्रोफाइल सही तरीके से बना हुआ हो, उस पर कैटेगरीज आपने सही सही मैप कर रखी है, अपने बारे में जो लिखना है, आपको अपना इंट्रो जो वहाँ पे ब्रीफ देना है वो आपने अच्छे से दे रखा है, और फिर आपने कितने कंटेंट पोस्ट कर रखे हैं, क्योंकि जैसे वो आपके प्रोफाइल पे जाएंगे, आपकी जो एक्टिविटीज है अपने प्रोफाइल पे वो भी उनको दिखाई देंगी। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट, कि जो मुझे एकदम विश्वास दिलाता है कि अच्छा इस बंदे ने इस पर्टिकुलर नीच पे लेट्स सपोज इतना कंटेंट लिखा है, इसका मतलब नॉलेज तो उसको है ही। देन फोर्थ टिप मेरी, जो फोर्थ टिप है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो टिप की बजाय आप इनको वैसे स्टेप्स भी बोल सकते हो। पहला स्टेप्स तो ये ना, नॉलेज लो, दूसरा स्टेप है नॉलेज दो, लिखो, ठीक है, देन अपग्रेड खुद को रखना। अब जो फोर्थ टिप है मेरी आपके लिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि लोगों को क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन पूछ सकूं। तो बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे कि आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जैसे कोरा इज वन ऑफ द फोरम, लेकिन कोरा बहुत जेनेरिक है, तो वहाँ पे तो सभी लोग अपने क्वेश्चन डालते हैं। कुछ अच्छे लेवल के फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जिनको अच्छे से मेंटेन करने वाले लोग भी हैं, मतलब काफी पे तो आपको पता है कचरा है, कोई कुछ भी पोस्ट कर रहा है, बट कुछ लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो उन फेसबुक ग्रुप्स पे कई लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेजेस पे अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। साथ ही जो हमारी साइट है consultease.com, इफ यू विल सी, उसमें भी हमने QA सेक्शन बनाया है, उस QA सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। सो जो आपके लिए फोर्थ टिप है, वो टिप है कि उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देखो अलग अलग फोरम्स पे, और उनके डिटेल में आंसर्स ड्राफ्ट करने की कोशिश करो। तो अपना नंबर और ईमेल आईडी आप वहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो। तो अपना नंबर ईमेल आईडी ड्रॉप करोगे, तो उन क्वेश्चंस को जो सर्च करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वो पूछा है, या जिन बाकी लोगों का भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वो सबके सब लोग आपके आंसर्स को देखेंगे, है ना? तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा दिस इज द प्रॉपर पर्सन जिससे एक्चुअली मुझे कंसल्ट करना चाहिए। तो उल्टा सीधा में जो जाके किसी के भी साथ फंस जाते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं हम लोग, उससे अच्छा है कि हम लोग एक अच्छे ऐसे पर्सन को सर्च करें जिसको कि नॉलेज है। सो ये फाइव टिप्स थे मेरे, फाइव टिप्स कम फाइव स्टेप्स, स्टेप वाइज थे सारे के सारे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा आपका ब्रांड बिल्ड करने में, आपका पर्सनल ब्रांड एज ए कंसल्टेंट बिल्ड करने में। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, चाहे आप किसी भी फील्ड का कंप्लायंस कर रहे हो, आप कंपनीज एक्ट का कर रहे हो। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी देती हूँ, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा ऑन फॉर्म एक्टिव 22, राइट? वो फॉर्म गूगल सर्च में आया, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने कम से कम 100 एक्टिव 22 फाइल किए, क्योंकि उसको इतनी सारी लीड्स आई। जितने भी लोगों ने पढ़ा, उन्होंने देखा कि अच्छा इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता था, तो ही हैज ड्रॉप्ड हिज नंबर। तो वहां से उनको फटाफट फटाफट लीड आई। तो वो चीजें होती हैं, कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि लोग भी सर्च कर रहे होते हैं कोई ऐसा पर्सन हो पे जिसको नॉलेज है उसके लिए। देन मेरी लास्ट फिफ्थ टिप जो आप लोगों के लिए, लास्ट एंड फिफ्थ टिप, दैट टिप इज कि अपने प्रोफेशन के जितने भी इश्यूज हैं, करंट प्रैक्टिकल इश्यूज, वो सारे के सारे इश्यूज से आप अपडेटेड रहें, और साथ ही जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फोरम्स हैं, उस पे खुद को रजिस्टर करा के रखें, और उन फोरम्स पे जाके प्रैक्टिकली लोगों से मिलना, अपने प्रोफेशन के लोगों से मिलना। देखो अपने क्लाइंट्स तक जाना एक अलग चीज़ है, बट आई विल से अपने प्रोफेशन के लोगों से भी नेटवर्किंग करना, उनके साथ मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका फोकस क्लियर करने में, और क्या मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, किस तरह का वर्क जनरेट हो रहा है मेरे खुद के प्रोफेशन में, क्योंकि काम भी टाइम टू टाइम चेंज होता है, राइट? तो इट विल हेल्प यू इन दैट थिंग। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा खुद को अपग्रेड करो, और जो आपके अंदर अपग्रेडेशन के बाद नॉलेज है, हमेशा उसको शेयर करने की कोशिश करो।
सो विद दीज वर्ड आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो. तो आप सब लोगों ने जो मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज पूछते हैं, बट प्रैक्टिकल इश्यूज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं निकाल पाती, बट आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने प्रैक्टिकल इश्यूज के लिए स्पेशली वाला वीडियो बनाया है. सो सारे जीएसटी के अपडेट के लिए और ऐसे और वीडियोज के लिए प्लीज़ देखते रहिए हमारा चैनल. और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब चैनल के कमेंट की बजाय उसको हमारी साइट के क्यूए सेक्शन पे पोस्ट करें, क्योंकि 200 से ज़्यादा, हमारी लगभग 250 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, तो सारी वीडियोस के हम लोग कमेंट्स दोबारा नहीं देख पाते. बट क्यूए सेक्शन पे आप जो भी पोस्ट करते हैं वो सब क्योंकि सीक्वेंस में होता है, और जैसे मैंने खुद भी आप लोगों को बोला है कि क्यूए सेक्शन पे जो अच्छे क्वेश्चन पोस्ट होते हैं आपको आंसर भी करना है, तो आप क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए और आंसर करने के लिए दोनों के लिए वहाँ पे जा सकते हैं. उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.